हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंकुश सर। स्टूडेंट्स, आपके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट करी आपकी एक्सरसाइज 1.5। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के लिए ये रिलेशन है। क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स? इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी हमें कोई दो सेट्स गिवन है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये रिलेशन याद रखिएगा फॉर 1.6। अब यहाँ से इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स इसका क्या मतलब? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5। इट मीन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0। इट मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये किस केस में? इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब इस रिलेशन, इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर देंगे आपकी एक्सरसाइज 1.6, जो क्या है, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया? इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, हम लोगों को दो सेट्स गिवन है एक्स एंड वाई, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई 23, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई किसके बराबर? 38। बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। बट सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। वी नो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई किसके बराबर? एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये कैसे? अभी कुछ देर पहले मैंने अभी ये रिलेशन समझाया, अब इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लूँगा। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई 38, एन ऑफ एक्स 17 प्लस एन ऑफ वाई 23, इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है मेरे। अब यहाँ पे जब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करूँगा, सिंप्लीफाई करने पे एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आ जाएगा? 2। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड वो सॉल्व कर देंगे, वहाँ पे एन ऑफ एक्स यूनियन वाई वो गिवन, एन ऑफ एक्स वो गिवन, एन ऑफ वाई वो गिवन, निकालना क्या? एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसकी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, एक ग्रुप है 400 लोगों का, 250 कैन स्पीक हिंदी, आउट ऑफ दिस 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200 इंग्लिश बोल सकते हैं, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, कितने लोग बोल सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश। अब स्टूडेंट्स, यूनियन और इंटरसेक्शन इसकी डेफिनेशन से हम लोगों को एक चीज़ तो क्लियर है, वो क्या क्लियर है? ए एंड बी, ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी मतलब ए यूनियन बी, ये चीज़ तो हम लोगों को क्लियर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे दो सेट हैं, बोला गया 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, सो मैंने सेट ले लिया, एक सेट ले लिया एच, एच सेट ऑफ पीपल किसका? हु कैन स्पीक हिंदी। इस तरह से एक सेट ले लिया ई, ये किसका सेट? हु कैन स्पीक इंग्लिश। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या बोला गया? इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, ग्रुप है 400 लोगों का, स्टूडेंट ये 400 लोगों का ग्रुप गिवन, और बोला गया इस ग्रुप में 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब ये ग्रुप, इस ग्रुप में दो सेट्स हैं, कौन सा? हिंदी वाला और इंग्लिश वाला, मतलब ये ग्रुप कंबाइन कर दिया, किसको कंबाइन कर करके मिला? हिंदी वाले सेट को और इंग्लिश वाले सेट को, दोनों सेट्स को कंबाइन करा, मेरे को ग्रुप मिल गया, मतलब यहाँ पे ग्रुप क्या है? यूनियन। सो यहाँ पे 400 क्या आएगा? एच यूनियन ई, 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, एन ऑफ ई में आ गया। हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब एच इंटरसेक्शन ई, ये हम लोगों को सॉल्व करना। सेम क्वेश्चन नंबर फोर, इसका हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया यहाँ पर, ये सॉल्व कर लीजिएगा।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 वो भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 के है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, अगेन यहाँ पे ग्रुप है 65 पीपल का, ग्रुप आ गया। ग्रुप कैसे मिलेगा? सेट्स को कंबाइन करके, मतलब यहाँ पे ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनियन। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। बोला क्या गया? फर्स्ट हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, कितने लोगों को टेनिस पसंद है क्रिकेट नहीं पसंद, पहले ये निकाल के बताओ। नेक्स्ट हाउ मैनी लाइक टेनिस, और कितने लोगों को टेनिस पसंद है, मतलब पहले कितने लोगों को टेनिस पसंद है ये बताओ, फिर ये बताओ कितने लोगों को पसंद है टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। यहाँ पे दो सेट, एक क्रिकेट के लिए एक टेनिस के लिए, सो मैंने क्या करा, सी ले लिया सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, टी ले लिया सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन अ सेट ऑफ 65 पीपल, सो सी यूनियन टी, इस सेट में कितने लोग हो गए 65, 40 लाइक क्रिकेट, सो एन ऑफ सी क्या आ गया 40, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस इसमें को कितने हैं 10। निकालना क्या, कितने लोगों को टेनिस पसंद और कितने लोगों को सेकंड टेनिस पसंद क्रिकेट नहीं पसंद, इस तरह से निकालूंगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। एन ऑफ सी यूनियन टी किसके बराबर, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, एन ऑफ सी यूनियन टी, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, एन ऑफ टी निकाल दिया 35। सो ये मेरे पास आ गए ऐसे 35 पीपल हु लाइक टेनिस, सो 35 पीपल इनको टेनिस पसंद है, पहले तो ये निकाल दिया। फिर एक चीज़ और बोलेगी, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, उसके लिए नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, जिनको टेनिस पसंद क्रिकेट नहीं पसंद, मतलब टेनिस में से क्रिकेट क्या करना पड़ेगा माइनस, सो एन ऑफ टी माइनस सी ये निकालना। आप लोगों को ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया था क्या, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसी तरह से एन ऑफ टी माइनस सी का फॉर्मूला एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ टी अभी तो निकाला 35 माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी या फिर सी इंटरसेक्शन टी, सेम चीज़ है, क्या गिवन 10, आंसर क्या आ गया 25। तो 35 लोगों को टेनिस पसंद है और आउट ऑफ दिस 35 25 पीपल दे लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। सिमिलरली हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 वो कर लेंगे। सो इस तरह से हम लोग ने कंप्लीट कर दी आज एक्सरसाइज 1.6, जो काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी। तो स्टूडेंट कल से आपका नेक्स्ट चैप्टर हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।